गायघाट प्रखंड क्षेत्र में सियारी नदी की तबाही से इलाके के लोग परेशान हैं। बताते हैं कि सियारी नदी में गाद जमने की वजह से किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सियारी नदी बागमती नदी से जुड़ती है, भरथुआ से निकलती है और भगमतपुर में मिलती है। सियारी नदी में गाद की सफाई के लिए स्थानीय सांसद के द्वारा प्रयास नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है, विधायक से भी लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि यह समस्या कई साल पुरानी है लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से लोग परेशान हैं। कांटा पिरोछा दक्षिणी पंचायत का कई वार्ड इससे प्रभावित है। करीब 40 एकड़ जमीन जलजमाव की वजह से प्रभावित हो रहा है, जिसमें फसलों का उत्पादन मुश्किल हो रहा है। किसानों से हमने बातचीत की, किसानों ने बताया कि यह समस्या कई साल पुरानी है और लगातार विकट स्थिति में पहुँचती जा रही है। 5 महीने 7 महीने हम लोग बाढ़ में देख रहे हैं, झील बना हुआ है, इस झील में हम लोग झेल रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, आकर के जो है से देख गए, सुन गए, इसके बाद देखने सुनने के बाद कथी करते हैं, कुछ नहीं, वोट लिए अपना जो है से अनामत चल दी। सियारी नदी से तो हम लोग डूब रहे हैं, मुंह उसका बंद हो गया, पुल जो है से जाम हो गया, उधर से पानी आया, जो स्टॉक हुआ स्टॉके में रह गया। जनप्रतिनिधि को कहे, विधायक से लेकर के मंत्री संतरी सब अब जब तक है तब तक सुन लिए, रास्ते में भूल गए। फसल तो देखिए रहे हैं, जो क्या फसल है, कुछ फसल नहीं आपके सामने है, जैसे के तैसे है फसल, इसमें क्या है। जितेंद्र यादव को भी कहे जो भाई इस नदी को कुम्ही हटवाइए, तो लोग प्राइवेट से अपना जो सकता है हटा उठा देता है, जो रहा सो रह गया। कहाँ से नदी निकलती है और कहाँ तक जाए? थुआ चौर से निकलता है और भगमतपुर बागमती में जाके मिलता है। नदी से तो इतना है, जो बाढ़ आता है हम लोगों को साफ एकदम, न उपजा होता है, न बारी होता है, कुछ नहीं होता है, पानी से जलथल लगा रहता है एकदम। हम तो देख रहे हैं 87 बेर से देख रहे हैं सर, आज से क्या देखेंगे। 87 से लेकर के 2004 तक, आ चार के बाद कुछ दिन थोड़ा सा राहत मिला, और उसके बाद इधर जो है जो 13-14 से तो फिर वही हाल है। मैं बागमती से जुड़ा हुआ सियारी नदी, बाढ़ आने के क्रम में तो बाढ़ पूर्ण रूप से बाढ़ अपना पूरा उफान के साथ आ जाता है। आने के बाद जब जल की कमी होने लगती है, तो जल कमी होने के क्रम में जो नीचे का जो जमीन है हम लोगों के घर के नज़दीक, वह जमीन का पानी नहीं निकल पाता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलता है। इस बार ऐसा हुआ है कि 5-10 आदमी मिल करके 3-4 जो है सो पंप सेट लगा करके पानी को नदी में गिराए हैं, तब उससे कुछ राहत मिला है, यातायात जो है सो शुरू हुआ। दक्षिण तरफ जितने भी भूमि आप देख रहे हैं, उस सब में का जल निकासी नहीं हो पाता है, आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है 4 महीने तक, आ किसी भी तरह का फसल उसमें नहीं लग पाता है। और ऐसे ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें जल जमाव होता है और उसमें किसी भी प्रकार का फसल नहीं लगता है। ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं 95 से। स्थानीय सांसद विधायक जी की इसमें क्या पहल है? कोई भूमिका नहीं है उनका।